सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग रियली वेरी फाइन। आई प्रथमेश मोरे वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको बैकग्राउंड कुछ अलग लग रहा होगा। यस, वी आर एट सम डिफरेंट प्लेस और अभी एक्चुअली वी ट्रैवल्ड फ्रॉम पुणे टू नासिक और नासिक से हम आए हैं अभी अपनी बाइक पे मनमाड़। और लगा कि हम यहाँ पे एक पोर्ट है उसका एक व्लॉग बनाएं और दैट इज़ थंबनेल लिख के तो आपको किले का नाम तो पता चल ही गया होगा। यस, वी आर गोना गो एट अनकाई फोर्ट और हम जाते हैं फिर। सो नाउ वी आर ऑल सेट टू गो और अभी हम निकलने वाले हैं घर से। द टाइम इज़ अप्रोक्सीमेटली 1 o'clock, द वेदर इज़ क्वाइट सनी एट द मोमेंट और निकलते हैं हम बाइक पे। और अभी हम अपने घर से मनमाड़ से निकल चुके हैं और जो किला है अनकाई फोर्ट, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 10 kilometers फ्रॉम मनमाड़। जो सामने पहाड़ दिख रहा है दैट इज़ अनकाई फोर्ट, तो हमें उसके ऊपर ही जाना है। उधर भी काफ़ी हद तक अभी सनी वेदर है ऐसा लग रहा है, मतलब धूप खिली है थोड़ी वहाँ पर, थोड़ी मतलब धूप कम हो रही है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो धूप थोड़ी कम होती जा रही है। This mountain range. और अभी हम ये जो पहाड़ है उसके अपोजिट साइड से एंट्री लेंगे और अभी हम उसको पूरा एक राउंड लगा के उस साइड से एंट्री करने वाले हैं। सीधे वहाँ से उसके उस साइड से किले के बेस में थोड़ा चढ़ के जाने के बाद वहाँ पे कुछ केव्स है और उसके बाद जो रियल ट्रैक है फोर्ट के लिए वो शुरू होता है। सी द फोर्ट गाइस, और हम अभी यहाँ पे पहुँच गए तो अभी हम उतरते हैं एंड अपना ट्रैक शुरू करेंगे। सो नाउ वी आर एट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द अनकाई फोर्ट, और इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 900 फीट फ्रॉम द प्लेन एंड 3200 समथिंग फीट फ्रॉम द सी लेवल। तो स्टार्टिंग में हमें कुछ सीढ़ियाँ लगेगी जो कि हमें केव्स तक लेके जाएगी और उसके बाद विल हैव टू ट्रेक टिल द फोर्ट। सो फ्रॉम हियर अभी हम एंटर करेंगे द फर्स्ट स्टेज ऑफ द केव्स। यहाँ पे कुछ केव्स है, थोड़ा और चढ़ने के बाद तो हमें काफ़ी सारे केव्स लगते हैं यहाँ पे लाइक दिस। तो ये केव्स तो कुछ बंद है और यहाँ पे देवी का मंदिर भी है। काफ़ी जो कार्विंग्स है वो अभी काफ़ी हद तक यहाँ पे इरोड हो चुका है बट स्टिल द प्रेजेंस इज देयर। यहाँ से और थोड़े आगे जाने के बाद देयर इज अगेन वन केव, उसके ऊपर भी काफ़ी स्ट्रक्चर्स है। सो ये जो केव्स है मोस्टली दिस आर ऑफ टू टाइप्स, उसमें कुछ केव्स जो है दैट इज ऑफ
ब्राह्मीन, दैट इज हिंदू केव्स, और कुछ केव्स जो है जो कि है जैन केव्स। और अभी तो फिलहाल एवरीथिंग इज इट लॉक्ड कंडीशन। तो अभी हम जाएंगे फोर्ट के ऊपर, और काफ़ी हद तक किले पे रिनोवेशन का काम भी हुआ है, तो वी यूजुअली गेट अ नाइस स्टेयर्स टू क्लाइंब टिल द फोर्ट, और कुछ पैचेस हमें ट्रैक भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम स्टेप्स है वहाँ से चढ़ना शुरू करेंगे, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना ट्रैक। और वो है अपना किला जहाँ तक हमें पहुँचना है अपनी मंजिल। इट फील्स रियली वेरी गुड कि हम अभी यहाँ से किले को देख रहे हैं, और जब हम ऊपर तक पहुँच जाएंगे दैट इज़ डेफिनेटली गाना गिव अ ऑसम फीलिंग। तो स्टेयर्स जो थे वो थोड़े ही थे, और अभी हमें यहाँ से चल के जाना होगा आगे। सो दिस काइंड ऑफ रोड फुल ऑफ स्टोन इज देयर, तो काफ़ी स्टीफ तो नहीं है। तो अभी थोड़ा ही ट्रैक कंप्लीट हुआ और हमें पसीना आना शुरू हो गया, तो वो रॉकी सरफेस के बाद दिस इज काइंड ऑफ स्टेयर्स व्हिच वी हैव टू क्लाइंब। So now we are approaching to the first tower, जो मैं लगता है after climbing। यहाँ पे बीच बीच में काफ़ी हद तक renovation का काम हो चुका है। तो हमने अभी काफ़ी हद तक climb कर लिया, अभी तक मेरी सांस फूल रही है क्योंकि अभी वेदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है और इट्स क्वाइट हॉट ओवर हियर। सो हमने काफ़ी हद तक किला अभी क्लाइम कर लिया है, एंड सी द व्यू गाइस फ्रॉम हियर। और अभी हमें यहाँ से किले के अंदर हम जाएंगे, और किले के अंदर जाने के बाद हमें ये पहला डोर लगता है। तो दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट सरफेस, यहाँ से हमें क्लाइम करके जाना पड़ेगा। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, हम इजीली जा सकते हैं। This is completely kind of rock climbing. It is very hot. सो अभी हम यहाँ से ऊपर आए, एंड नाउ वी हैव रीच्ड एट द सेकेंड गेट ऑफ द अनकाई फोर्ट। और अपने सामने ये जो है दैट इज़ टनकाई फोर्ट, ये दोनों एक ही हिल रेंज पे है। इन किलों का कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया गया है, अगर कोई टनकाई पे चढ़ाई करे तो उससे अनकाई किले को कुछ भी हानि ना पहुँचे। और एज यू कैन सी ये जो एंट्री है दोनों की कॉमन है, दैट मीन्स बोथ द फोर्ट्स आर सेम ओनली। तो अभी हम चलेंगे टूवर्ड्स दी
सेकेंड एंट्री गेट ऑफ अनकाई फोर्ट। हमें यहाँ से और ऊपर चढ़ना पड़ेगा फ्रॉम दिस स्टेयर्स, और उसके बाद अनदर गेट जहाँ से हम एंटर करेंगे। तो स्टेयर्स है काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, तो यहाँ से थोड़ा सावधानी बरत के हमें चलना पड़ेगा। सच में दीज आर वेरी स्टीफ। और इस तरह से हमें और एक गेट लगता है, उसके बाद और एक गेट, और यहाँ पे हमें और एक डोर लगता है। और इस डोर में एंट्री करने के बाद स्टार्टिंग में हमें मुंजा बा का मंदिर लगता है, और आफ्टर द मंदिर हमें और चढ़ना पड़ेगा। सी दिस, इट्स अ लॉट टू क्लाइम येट, तो ये इतना ज़्यादा स्टीप नहीं है, एक्चुअली है, इट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 30 degree क्लाइंब, और स्टेयर से इसलिए इतना ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। तो यहाँ से हम करेंगे क्लाइंब, और ऑलमोस्ट हमने 70% टीला क्लाइंब कर चुके हैं। वाओ, सी दिस, तो यहाँ से ऊपर आने के बाद द व्यू इज क्वाइट नाइस। सामने हमें टनका ही दिखता है, एंड देर इज स्टिल लॉट मोर टू क्लाइंब। तो फ्यू फैक्ट्स अबाउट अनकाई फोर्ट। सो दिस वॉज इनिशियली बिल्ड बाय यादवाज, जो कि देवगिरी के थे, और उनके बाद अराउंड 1635 ये जो किलेदार थे यहाँ के उस टाइम के, उनको ब्राइब दे के मुगल्स ने किला हासिल कर लिया। उनके बाद अराउंड 1665 ये किला फ्रॉम मुगल्स, देन निजाम जो थे उन्होंने इस किले पर अपना कब्जा जमाया, एंड फ्रॉम देम जो समझौता हुआ था बिटवीन निजाम्स एंड मराठाज, तो अराउंड 1752 ये किला मराठाओं के पास आया, एंड फ्रॉम देन अराउंड 1818 में फाइनली ये जो किला था वो ब्रिटिशों के हाथ में गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फैक्ट्स। पानी का पॉन्ड जो कि ऑन द टॉप ऑफ द फोर्ट है, और इसे काशी तालाब भी बोलते हैं। और अभी यहाँ पे आगे जाके हमें लगेगा बाड़ा, और जो सरफेस है वो काफ़ी फ्लैट है, एंड सी द व्यू गाइस, इट्स ऑसम। So
सो दिस इज वन मोर तालाब जो कि फोर्ट के ऊपर है। सी दिस, वी आर नियर टू दी वाड़ा। मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है इसे यूजुअली वाड़ा बोलते हैं। सो अभी हम वहाँ पे आ गए एंड द वेदर सीम्स टू बी वेरी नाइस एट द मोमेंट और काफ़ी सही लग रहा है। अभी थोड़ा सा कोल्ड ब्रीज भी फील हो रहा है एंड यहाँ पे एक और तालाब। तो टोटल हमें अभी तक ये तीसरा तालाब था जो कि देखने मिला और नाउ वी गोना एंटर इनटू द वाड़ा। और अभी हम यहाँ से एंटर करेंगे इन दी वाड़ा। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, द काइंड ऑफ लिटरली वाड़ा काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी आर एबल टू सी ओ हियर। जस्ट वन थिंग जो कि मुझे यहाँ पे आके अच्छी नहीं लगी इज द काइंड ऑफ नेम्स विच आर रिटन ओवर हियर देन हियर ऑल्सो। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर प्लेसेस लाइक दिस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज व्लॉग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके सजेशंस के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।